आज इसी कड़ी में हम एक अजीबोगरीब दास्ता की बात करेंगे, वो भी तब घटी जब भगवान स्त्री की रचना कर रहे थे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो बिना विलंब किए तुरंत सब्सक्राइब बटन दबाएं और हमसे जिंदगी भर के लिए जुड़े रहें, क्योंकि हम आपको ऐसे ही अविश्वसनीय, रहस्यमय और अमानवीय कहानी और तथ्यों से रूबरू कराते रहेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब भगवान स्त्री की रचना कर रहे थे तो काफी समय लग रहा था। कहा जाता है स्त्री को बनाते बनाते कम से कम भगवान को 6 दिन हो गए थे। इतनी लंबी प्रतिक्रिया को देखकर देवदूत भी परेशान होकर भगवान से पूछने लगे कि आपको इस रचना में इतना समय क्यों लग रहा है। तब भगवान बोले, आप इस रचना के गुणों के बारे में नहीं जानते। ये एक ऐसी रचना है जो कि दुख आने पर भी हमेशा खुद को खुश रखती है, साथ ही अपने परिवार को हमेशा खुश रखने के लिए वो खुद दुखों को सह लेती है। इसके अंदर काफी सहन शक्ति वो दया की भावना होती है। लाख गलती करने के बाद भी वो बच्चों को दिल से लगा लेती है, अपने घर परिवार के प्रति सब कुछ त्याग देते हैं। इसके गुणों के बारे में जितनी तारीफ करे उतना ही कम है। इतने गुण देखने के बाद देवदूत ने स्त्री को हाथ लगाया और बोले, भगवान इसके अंदर इतनी अच्छाइयां हैं, परंतु ये तो बहुत ही नाजुक है, फिर कैसे सभी दुखों को अपने ऊपर झेल सकती है। तो फिर भगवान बोले, ये बाहर से जितना नाजुक है ये अंदर से उतनी ही कठोर है। भगवान ने देवदूत को समझाया कि ये मेरी एक ऐसी रचना है जो कि हर परेशानी का मुकाबला कर सकती है। इतना सुनकर ही देवदूत आगे बढ़े और उसके आँखों के नीचे गालों को हाथ लगाया तो उसे गीला गीला महसूस हुआ। तो देवदूत बोले, ये पानी जैसा गीला गीला क्या है। तो भगवान ने उत्तर दिया कि ये आंसू है। देवदूत बोले, आंसू किस लिए। तो फिर भगवान मुस्कुराए और कहा, जब भी इसके ऊपर कोई संकट आता है तो ये उसे निपटने के लिए रोने लगती है, इससे इसकी सारी पीड़ा आंसुओं में बहल जाती है। स्त्री के पास आंसू एकमात्र ऐसा तरीका है जिससे वो अपने सारे दुखों को भूल जाती है और हर समस्या का हल खोज लेती है। इतनी सारी अच्छाइयों को सुनकर देवदूत बोले, भगवान आप महान है जो कि आपने स्त्री जैसी खूबसूरत रचना की। भगवान ने स्त्री को काफी सोच समझ कर बनाया है, इसलिए कहा जाता है भगवान की बनाई हुई इस रचना का सम्मान करना चाहिए, उसे कभी भी दुख नहीं देना चाहिए। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य ही बताएं। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और भी दुनिया भर के ऐसे रहस्यमय और अविश्वसनीय कहानी और तथ्यों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब।